हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से यम्मी टम्मी विद पूजा में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एकदम मजेदार रेसिपी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। उसके पहले अगर आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो नहीं किया तो फटाक से फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी। और इस चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इसी तरीके से जो भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। यहाँ पर मैंने एक कप के करीबन साबूदाना ले लिए हैं, जिसे आप देख रहे हैं एकदम फूल करके रेडी हो चुके हैं। तो रेडी करने की प्रोसेस क्या थी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक कप साबूदाना ले लिया, जिसको मैंने 3-4 पानी से अच्छे से वॉश किया। उसके अंदर वाइट कलर का स्टार्च आएगा, वो जब तक क्लीन नहीं हो जाता तब तक के लिए आपको वॉश कर लेना है 3-4 पानी से। और फिर जैसे ही वो पानी साफ़ हो जाएगा तो साबूदाने के जस्ट ऊपर तक आएगा पानी, उतना ही पानी डाल के ढक कर के प्लेट से हम लोग नाइट भर के लिए इसको सोक होने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर हमारे जो साबूदाने हैं वो इस तरीके से देख रहे हैं आप, हाथ से ही मसल रहे हैं, तो इस तरीके से बन करके फूल करके एकदम रेडी हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, जो हम लोग बनाने जा रहे हैं साबूदाना के शॉर्ट्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग बनाने जा रहे हैं साबूदाना वड़ा, या साबूदाने शॉर्ट्स भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ऑयल में डीप फ्राई नहीं करेंगे हम लोग। वो कैसे मैं आपको बताती हूँ आगे। तो हम लोग केवल 1 चम्मच तेल से एकदम टेस्टी और एकदम क्रिस्पी साबूदाना शॉर्ट्स बना करके रेडी करेंगे। साबूदाने वड़े की रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी। जो जैसे रियल में ओरिजिनल बनते हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है मैंने, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अभी साबूदाने के शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने साबूदाना ले लिए, इसके अंदर सबसे पहले ऐड करेंगे हम लोग सेंधा नमक, क्योंकि हम लोग व्रत के लिए बना रहे हैं। व्रत में आप जो जो चीज़ें खाते हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, पर लिक्विड चीज़ें नहीं। कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे, कुटी हुई मूंगफली ऐड कर देंगे, जिसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया और उसके बाद कूट लिया है। तो ये आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। और अगर आप यहाँ पर मिर्ची खाते हैं ग्रीन मिर्ची तो आप ऐड कर सकते हैं, उसकी जगह पर मैंने यहाँ पर काली मिर्ची ऐड करी है। अब यहाँ पर मैंने 4 आलू ले लिए हैं, जिसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है और इसका छिलका निकाल दिया है। तो बस इसको हम लोग इस तरीके से लेकर के अनइवनली मैश कर देंगे, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करेंगे, नहीं तो आलू जो है वो अपना पानी रिलीज़ करना चालू कर देगा। तो इसीलिए हम लोग इसको अनइवनली इसी तरीके से बस मैश करेंगे। और सारे साबूदाना और आलू को अब हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे और एक डो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं, हाथों की मदद से आराम से होगा तो हाथों से करने का ही ट्राई करिए। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये एक पेड़े के शेप में बंधे उतना। तो चलिए अब हम लोग हाथों में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे। आप व्रत में ऑयल घी जो भी खाते हैं वो हाथ में ग्रीस कर लीजिए। और बस हम लोग अब इसके छोटे छोटे से पेड़े की तरह उठाएंगे और इसके एकदम गोल गोल बना करके रेडी करेंगे, एकदम इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। ऐसे ही हम लोग गोल गोल बना करके रेडी करते जाएंगे सारे पीसेस। तो मैं ये यहाँ पर प्लेट ले लिए, इसमें मैं रखती जाऊँगी। इसी तरीके से मैं यहाँ पर दूसरा भी बना करके दिखा देती हूँ। बस इसी तरीके से हाथों में अगर चिपकेंगे तो फिर से हम लोग ऑयल लगा देंगे। और यूँ गोल गोल छोटे छोटे शॉर्ट्स बना करके हम लोग रेडी करते जाएंगे और प्लेट में इस तरीके से रखते जाएंगे। तो चलिए मैं फटाक से ये सारे रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सारे शॉर्ट्स को बना करके कर लिया रेडी। तो चलिए अब हम लोग करेंगे इसको हल्का सा फ्राई, लेकिन हम लोग इसको एक चम्मच ही यूज़ करेंगे ऑयल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमको चाहिए रहेगा इस तरीके से एक पैन, आपे पैन, जिसको मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा ग्रीस करने के लिए, केवल ज़्यादा ऑयल बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। सब में एकदम एक एक बूंद ऑयल की ऐड करते जाएंगे। ब्रश हो तो ब्रश से इजीली पूरा ग्रीस हो जाता है। 1 से 2 सेकंड में ही यहाँ पर जो हमारा ऑयल है वो आप देख रहे हैं गर्म हो गया है। यहाँ पर हमारा पैन गर्म हो चुका है, 1 से 2 मिनट में ही ये अच्छा गर्म हो जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से शॉर्ट्स बना करके रेडी किए थे, बस वो हम लोग इसके अंदर ऐड करते जाएंगे एक एक।
तो यहाँ पर मैंने अच्छे से सारे पैन में ऐड कर दिया है और हमें इसको उलट पुलट कर अच्छे से कुक करना है। एकदम कम ऑयल में बनकर के ये एकदम क्रिस्पी नाश्ता रेडी होगा। तो चलिए अब हम लोग इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। पहले हम लोग ऊपर से ऑयल थोड़ा थोड़ा ग्रीस कर देंगे इनको, ताकि जो ये ऊपर से है वो भी अच्छे से कुक होए। थोड़ा थोड़ा एक ही बूंद ऑयल डाल देंगे बस। और इफ अगर आपके पास आपे पैन नहीं है तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास आपे पैन नहीं है तो आप कोई भी पैन ले सकते हैं नॉर्मली, और उसमें एकदम थोड़ा सा ऑयल डाल करके इसको फ्राई कर सकते हैं। बिना आपे के भी इजीली ये बन जाएंगे आपके शॉट्स। तो ऊपर से भी मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर दिया है। अब बस ऊपर से हम लोग इसको ढक्कन लगा देंगे और 3-4 मिनट के लिए वेट करेंगे। 2 से 3 मिनट के करीबन हो चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको ओपन करते हैं और इसको हम लोग दूसरी तरफ टर्न करेंगे। देख रहे हैं आप नीचे से गोल्डन कितना अच्छा कलर आया है इसमें। तो इसी तरीके से हम लोग इसको टर्न कर देंगे बड़े ही आराम से और ये एकदम क्रिस्पी बनेंगे। इसी तरीके से जो जो फ्राई होते जा रहे हैं अच्छे से उसको हम लोग टर्न कर देंगे, जो नहीं हुए उनको वापस उसी तरीके से रखेंगे। यहाँ पर मैंने सबको टर्न कर दिया और आप देख रहे हैं कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यूसली इसको उलट पुलट करके पूरा अच्छे से एकदम कुक कर लेंगे। तब तक के लिए वेट कर लेते हैं ढक्कन लगा करके फिर से। यहाँ पर जो बनते जाएंगे उसको हम लोग प्लेट में निकालते जाएंगे। जिस तरीके से ये अच्छे से कुक हो गया आप देख रहे हैं कितना अच्छा सा कलर आ गया इसमें, तो मैं इसको निकाल दूंगी प्लेट में। ये भी कितना अच्छे से कुक हुआ है आप देख रहे हैं। और जिस साइड से अच्छे से कुक नहीं होता हुआ दिखे तो उस साइड से हम लोग थोड़ा सा और कुक कर लेंगे, और चारों ही तरफ से हम लोग को ऐसे पलट पलट के इसको अच्छे से कुक कर लेना है। तो यहाँ पर आपे पैन में एकदम अच्छे से हमारे क्रिस्पी बनकर के सारे रेडी हो चुके हैं। ये मैंने दूसरी बैच को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है, तो आप देख रहे हैं कितने ही ज़्यादा शानदार और एकदम क्रिस्पी बनकर के रेडी हुए हैं। आपको मैं एक तोड़ के दिखा देती हूँ और उसके पहले आवाज़ सुना देती हूँ। आवाज़ तो आपने सुनी ली है कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी है और एकदम सॉफ्ट भी है अंदर से। तो चलिए मैं अब आपको इसको तोड़ के दिखा देती हूँ। वाह, आप देख रहे हैं अंदर तक एकदम बढ़िया से कुक हुआ है, एकदम गर्मा गर्म धुएं आ रहे हैं और एकदम लाजवाब बनकर के रेडी हो गए हैं हमारा आपे। एकदम इजी रेसिपी और एकदम इजी तरीके से। तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, फटाक से अभी के अभी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से जाइए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इसी तरीके से जो भी रेसिपी आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस।